तो भाई ने भाई नया चैनल बनाया है गौरव पिंजुपरा के नाम से। और गाना ठीक है भाई? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ठीक चल रहा है काम? हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। कब शुरुआत करी चैनल की? मैंने एक मंथ होया भाई जब ही करी है बस। तो भाई ने सपोर्ट करो भाई, नई शुरुआत है देखो, नया जो काम होता है थोड़ा सा, एक तो थोड़ा में एजिटेशन भी हुआ है, थोड़ा एक डर भी होगा कि चल रहा है नहीं चल रहा है, तो सपोर्ट करो इन जैसे भाइयों को, उम्मीद आपसे और आप इनको सपोर्ट करोगे या आगे सपोर्ट करेंगे, ऐसे काम चलता है सबका, तो दिल से सपोर्ट करें भाई। और मेरे को देखते हैं जितने भाई, तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि भाई का हौसला बढ़े और आगे अच्छा काम करेगा भाई। क्योंकि शुरुआत में तो भाई भाई बात है नहीं, टाइम तो लगेगा, कोई भी चीज़ हो इतनी चीज़ों का पता नहीं होता, धीरे धीरे करेगा चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, फिर सीखता रहेगा और सीखेगा, मार्केट में दिखेगा ये चीज़। तो भाई ने सपोर्ट। राम राम, प्रणाम, नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई गौरव पिंजुपुरा से आपका आज फिर एक ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है काफ़ी अच्छा और फैंटास्टिक होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं नरवाना के एक ऐसे यूट्यूबर के पास जिसको बच्चे ही नहीं बल्कि बूढ़े भी देखना पसंद करते हैं। हाँ दोस्तों, उसको नौजवान तो जानते ही हैं और साथ में जो बूढ़े बच्चे उनको देखना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि अगर भाई अमित बोस नरवाना की वीडियो ना आई तो बच्चे जो शाम को खाना भी नहीं खाते। देख लो भाई, जो अमित बोस नरवाना है इतने ज़्यादा मशहूर हैं, इतने ज़्यादा जो लोगों के दिल पर राज करते हैं भाई, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं और यहाँ तक कि थोड़ी सी कॉमेडी भी कर लेते हैं, और भाई का एक चैनल है न्यूज़, तो भाई थोड़ी बहुत ही न्यूज़ भी करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमित बोस नरवाना, जिसको नरवाना ही नहीं बल्कि हरियाणा के छोटे से छोटे गाँव में भी उसको जानते हैं। तो दोस्तों, भाई की 25 मार्च को शादी थी, तो हम गए भी थे बारात में, तो उस दिन तो मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया। तो मैं आज आपको जो अमित बोस है उनसे मिलाऊंगा और उसकी जो वाइफ है पूजा देवी उनसे भी मिलाऊंगा। तो आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो गाइज प्लीज़ कहीं मत जाना, और आज का ब्लॉग है जो आपको पूरा देखना है। देखते हैं कि जो अमित बोस की वाइफ है वो कैसी है और अमित बोस शादी के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। तो चलो गाइज चलते हैं अमित बोस नरवाना के पास। तो आप देख रहे होंगे अमित बोस नरवाना जो शादी के अंदर नाच रहा है, और इनको अपनी शादी की इतनी ज़्यादा खुशी है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा, इन्होंने हमें भी इनवाइट किया है, हम भी है जो शादी में गए थे। तो गाइज मैं, आप देख रहे होगे, मैं वीडियो ही बना रहा हूँ साइड में खड़े होकर, तो देख लो गाइज कितना ज़्यादा यहाँ पर रस हो रहा है, कैसे इसके जो यारे प्यारे दोस्त हैं दूर दूर से आए हैं शादी में, और कैसे इनका पर है पीछे की है जो बुहार होने लग रही है। तो दोस्तों, मैं भी है जो 4-5 गत्थी लेके आया हूँ और इसकी है जो बारात में उड़ाएंगे, तो मैं वो वीडियो डाल लूँगा जो मैंने बारात में पैसे डाले थे। तो गाइज आप देख सकते हो कैसे है जो अमित बोस नरवाना के दोस्त हैं कैसे इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइज आप देख सकते हो, अब बारी आ गई है मिलने की, हमारे हरियाणा में तो इसको मिलने ही कहा जाता है। तो आप देखो कैसे है जो अमित बोस ने 7 लाख रुपये है जो लेने से मना कर दिया है और कहा है कि मैं तो सिर्फ 1 रुपये की ही सगाई लूँगा। तो देख लो गाइज कैसे अमित बोस नरवाना ने 7 लाख रुपए लेने से मना कर दिया, और आप ये बात उसके खुद के मुंह से भी सुन लो। गाड़ी के सामान दिया, गाड़ी के नहीं जी, मना ही करके ले, पहले को बात मना कर के, 7 लाख होते 16 लाख को फर्क आ गया, 1 रुपए की बात जुबैन करी थी, जुबैन के दन हो जाए बोले नहीं। अरे ये भी बात करूं, जब पंडित ने तो 7 वचन भराए हैं, 8वां वचन ही हुआ मेरा, सारी उम्र को लेता मैं, कोई नहीं क्यों जी, होना चाहिए कोई क्यों, बहुत बड़ी बात है आज का टाइम में, नहीं तो सारे लालचे लोग हैं, मतलब कि अपना 1 रुपए की सगाई ली, 1 रुपए की सगाई है जी, बिल्कुल। और भी जो कोई चीज पसंद आएगी तो दवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली दोस्तों अपनी अलमारी आ चुकी है, वाह जी वाह पहुंच, तो जिन्हें ये अलमारी रख दी हमने, बोलिए शंकर भगवान की जय। राम राम जी, मैं आपका अपना अमित बोस नरवाना और वर्ल्ड में बजाना नुका मिलता है लोगों ने कामयाबी की ओप है, और तारी भाभी आज लग गया है टिप टॉप है, वाह जी वाह। कैसे हो आप? अच्छी हूं। कहां चलना आज, क्या लेना आपके लिए? वाशिंग मशीन, वाह जी वाह, एंदे डिमांड कर दी है, डिमांड तेरी बेबी वैरी आ यार, मंग दी तू स्विफ्ट डिजायर है, भले वक्ता में अपना डायलॉग होया करता। तो चलते हैं फिर वाशिंग मशीन लेने, एक बार आपको वैरायटी दिखा देते हैं कौन कौन सी है, जो सी पसंद आओगी अपनी चॉइस है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार सारे कलर दिखा देते हैं आपको भाई, वाह भाई वाह, लड़के पैक कर दिए अच्छी तरह ताकि टूट फूट ना हो, इमेज और वाशिंग मशीन भाई, क्या बात है भाई।
तो ये वॉशिंग मशीन रख दी। नमस्ते। क्या बात है, जैसे सारी बातें पूछते हैं तो वहाँ पे मिल जाते जान पहचाने कुछ? हाँ, जहाँ मैं लहंगा लेने गई थी ना वहाँ मिली थी जी। फिर मैंने उनको बताया वहाँ शादी हुई है। हाँ। तो उन्होंने यही कहा था उसको तो हम जानते हैं जहाँ पे आपकी शादी हुई है। अच्छा। तो ये बोले कि आप ना उनको एक बार हमारी शॉप पे बुला लेना। ठीक है। और मैंने तो बता ही दिया कि नेचर और संस्कार पसंद आए, ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं सभी को ये कहता हूँ कि जिनके रिश्ते की बात चल रही है या आगे जिनकी शादी होगी, तो मतलब दहेज को प्राथमिकता ना दो, इंसानियत को प्राथमिकता दो। एक दूसरे के विचारों को समझना बहुत जरूरी है और दोनों परिवारों को खुश रखो आप, सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि लोग परिवार शादी होती है, एक रुपए की शादी करो, दोनों परिवारों को समझो, संस्कारों को समझो, वो चीज बहुत जरूरी है। और सभी को बुलाया करो, गिले शिकवे दूर। तो भाई ने भाई नया चैनल बनाया है गौरव पिंजूपरा के नाम से, और गाना ठीक है भाई? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ठीक चल रहा है काम? हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। कब शुरुआत करी चैनल की? मैंने एक मंथ होया भाई जब ही करी है बस। तो भाई ने सपोर्ट करो भाई, नई शुरुआत है, देखो नया जो काम होता है थोड़ा सा, एक तो थोड़ा में एजिटेशन भी हुआ है, थोड़ा एक डर भी हुआ कि चल रहा है नहीं चल रहा है, तो सपोर्ट करो इन जैसे भाइयों को, उम्मीद आपसे और आप इनको सपोर्ट करोगे या आगे सपोर्ट करेंगे, ऐसे काम चलता है सबका। तो दिल से सपोर्ट करें भाई, और मेरे को देखते हैं जितने भाई, तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि भाई का हौसला बढ़े और आगे अच्छा काम करेगा भाई। क्योंकि शुरुआत में तो भाई भाई बात है नहीं, टाइम तो लगेगा कोई भी चीज़ हो, इतनी चीज़ों का पता नहीं होता, धीरे धीरे करेगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, फिर सीखता रहेगा और सीखेगा, मार्केट में दिखेगा ये चीज़। तो भाई ने सपोर्ट किया। आई होप कि गाइस आज का जो व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आप लोग भी जो अमित बोस निर्वाण है उसको काफ़ी पसंद करते हो। तो जैसे कि अमित बोस ने कहा है कि भाई गौरव पिंजूपरा से इसको सपोर्ट करो, तो गाइज प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मैं अभी कई महीनों से है जो ब्लॉग बना रहा हूँ, आप लोग मुझे बिल्कुल भी है जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो गाइज प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो और मुझे है जो सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो ठीक है गाइज, आज का जो ब्लॉग है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, तो कल फिर मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए सुपरस्टार के साथ, एक नए यूट्यूबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।